इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के आने वाले सीजन से नाम वापस ले लिया है। जी हां, क्रिस वोक्स आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलने वाले थे। चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच 29 मार्च को मुंबई में होने वाले मुकाबले के साथ आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज भी हो जाएगा। एक रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि वोक्स ने फ्रेंचाइजी को इस बात की जानकारी दे दी है और फ्रेंचाइजी ने उनके विकल्प की खोज भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट की माने तो वोक्स ने कहा है कि वो ग्रीष्मकाल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों के लिए खुद को तरोताजा रखना चाहते हैं। वोक्स को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये एक और बुरी खबर है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और ईशान शर्मा पहले से ही चोटों से जूझ रहे हैं। ऐसे में वोक्स का चोटिल होना दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें आपको कि क्रिस वोक्स को सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। यही वजह है कि दिल्ली कैपिटल्स जब मैदान पर सीएसके के खिलाफ उतरेगी तो उनका सबसे बड़ा हथियार धोनी के खिलाफ मैदान पर नहीं दिखेगा। आपको बता दें कि क्रिस वोक्स बीते साल वर्ल्ड कप में भी धोनी की बल्लेबाजी में उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर चुके हैं। ऐसे में धोनी के लिए तो राहत भरी खबर है ही, और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब विकल्प तलाशने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिस वोक्स का जाना उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। हालांकि बड़ी बात यह है कि क्रिस वोक्स की गैर मौजूदगी में दिल्ली की टीम किसे अपनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके मैदान पर उतरेगी उसके सामने सबसे बड़ा खतरा उनके कप्तान के लिए जो क्रिस वोक्स था वो अब जा चुका है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।